रक्षाबंधन हमारे देश का एक बहुत ही अनूठा और प्यारा सा त्यौहार है। बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक है। आज के दिन बहनें भाई के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, भाई को राखी बांधती हैं, स्थान खिलाती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों की सुरक्षा एवं उनकी सुख की कामना करते हैं और अपना उत्तरदायित्व भी मानते हैं कि बहन को अगर कहीं उनके उनकी मर्यादा को या उनके मान सम्मान को कहीं अगर कोई ठेस लगती है तो भाई उसमें बीच पे आड़े आते हैं और बहन को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि दुख सुख में वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये बहुत ही अनूठा और प्यारा त्यौहार है। पूरे विश्व भर में इस त्यौहार की धूम होती है। प्रतीक है बहन और भाई के प्रेम का और आज के दिन का सभी बहन और भाई इंतजार करते हैं कि वो अपने निश्चल प्रेम को कब प्रदर्शित कर पाएंगे। आज के दिन बहुत उपयुक्त माना गया है इसके लिए और हमारे देश में ये त्यौहार लगभग सारी स्टेट्स में मनाया जाता है, जबकि कई जगह आपने देखा है साउथ वगैरह में हमारे ऐसे फेस्टिवल्स की धूम नहीं होती है, लेकिन अब इतना जन जागरण हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसका बहुत श्रेय जाता है कि आप लोग जब दिखाते हैं तो पूरा देश भर उल्लास में नजर आता है। तो पूरे देश में होली, दिवाली, रक्षाबंधन बहुत से मनाए जाते हैं। इस पावन पर्व पर आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं प्रदीप कुमार पिप्पल, आप सभी शहरवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि ये जो आने वाले त्यौहार है हमारे, इसमें खास तौर पर रक्षाबंधन भाई बहन का जो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और पाक साफ बंधन का जो त्यौहार होता है इसको आप लोग उसी प्रकार से मनाएं और हम प्रण लें कि हम अपनी समाज में जितनी भी बहन बेटियां हैं उनका सम्मान करेंगे और उनको आदर सद्भाव से समाज के अंदर उनको उनकी जगह सुनिश्चित कराएंगे। साथ साथ साथियों, जो हमारे भाई बहन और बुजुर्ग वैक्सीन के लिए अभी रह गए हैं, मैं उनको भी एक अनुरोध करता हूं कि वो लोग कोरोना की जो वैक्सीन है कोविड की वो लगवा लें जाकर, क्योंकि इसके अंदर वैक्सीन इसका एकमात्र उपाय है और जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो इसका फायदा भी ले रहे हैं। साथ साथ आगे स्कूल खुलने वाले हैं तो जितने भी बच्चे हैं स्कूल जाएं, खूब पढ़ें, खूब देश का नाम रोशन करें पढ़ लिख के, लेकिन जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं उसका पालन करें और स्कूल के प्रबंधन से भी मेरे निवेदन है कि स्कूल में साफ सफाई को लेकर और कोरोना को लेकर समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रिलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने एक बार फिर समाज सेवा का हाथ बढ़ाते हुए प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा डॉक्टर प्रशांत गुप्ता के आग्रह पर मेडिकल कॉलेज को 2 टन क्षमता के 6 विंडो एसी दान स्वरूप भेंट किए हैं। पूर्व में भी कोरोना काल में एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण से शहरवासियों की रक्षा में जुटे डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की सुरक्षा के उद्देश्य से 12 स्प्लिट एसी आइसोलेशन वार्ड के लिए और 500 पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट दान किए थे। डॉक्टर सुशील गुप्ता का कहना है कि यह समाज सेवा हमेशा जारी रहेगी ताकि समाज को कुछ दिया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति में पे बैक टू सोसाइटी का भाव बना रहना चाहिए। डॉक्टर सुशील गुप्ता, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ अच्छे काम करने से हमेशा समाज का भला होगा और खास करके जब अस्पताल के अंदर आप कोई भी काम करते हैं तो वो सीधा मरीजों के ऊपर ट्रांसफर होता है। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जब से प्रिंसिपल बने हैं उनका यही प्रयास रहता है कि अस्पताल जितने जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, सारी उसके अंदर सुविधाएं हो। इसी श्रृंखला में लास्ट ईयर करीब हम लोगों ने 12 स्प्लिट एसी
और 22 घंटों में से पीपीई किट, एक HRC मशीन, काफ़ी कुछ दिया था। अभी उनकी रिक्वायरमेंट आई कि उनको 6 AC और चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम आपके लिए इंतजाम करा देंगे। और ये AC लाइब्रेरी में, गेस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में, सेमिनार हॉल में लगेंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा कि यहाँ पे जितने भी मरीज हैं उनको आसानी हो जाएगी, जहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका जो है वो AC में रहने से वो काफ़ी उनकी लाइफ बढ़ेगी और सही रहेंगे। तो इस सब के साथ मैं समझता हूँ SM मेडिकल कॉलेज में अगर और भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं और जो संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ उनसे कह के कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर बढ़ें। देखिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी द्वारा 6 AC दिए गए हैं। ये हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट है, यहाँ हमारे जो हेड हैं मेडिसिन के डॉक्टर बलबीर सिंह जी, उनकी तरफ से बात आई कि हमें कुछ एसीज की ज़रूरत है जगह जगह लगाने के लिए। सुशील भाई साहब, पिछले काफ़ी समय से हम लोगों के, आप लोगों को सबको ही पता है कि कोविड में उनके द्वारा करीबन 30-35 AC उनकी संस्था द्वारा दिए हैं, लेकिन इस बार ये सुशील, डॉक्टर सुशील की तरफ से व्यक्तिगत प्रयास है और वो 6 AC हमें दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में, मेडिसिन डिपार्टमेंट की गेस्ट्रो एंटरोलॉजी लैब में और एक दो जगह और हैं यहाँ पर, वहाँ लगाए जा रहे हैं। तो इन सब का फ़ायदा दो रूप में मिलेगा। एक तो लैब जहाँ लगाई जा रही है वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हमारे महंगे हैं, उनकी रखरखाव में आसानी रहेगी। दूसरा, मरीजों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। लाइब्रेरी में लगने से ऑब्वियसली हमारे छात्र जो हैं, जो PG छात्र हैं, UG छात्र हैं, उनको बहुत आसानी होगी। तो हम डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का इस जो उन्होंने हमको जो AC दिए, इसके हम आभार प्रकट करते हैं अपने प्रधानाचार्य महोदय का और ख़ासतौर पर डॉक्टर सुशील गुप्ता साहब का, जिन्होंने हमारी मांग को मानकर आज विभाग में AC डोनेट किए हैं। ये AC हमारे इसमें लाइब्रेरी में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लैब में लगेंगे और उससे मरीजों को, छात्रों को यहाँ पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी। और वैसे मैंने गुप्ता जी से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे क्योंकि 230 बेडेड हॉस्पिटल है मेडिसिन का, इसमें बेंच जिसपे मरीज का तीमारदार जो है बैठ के आराम कर सके, उसके लिए भी रिक्वेस्ट की है और सर ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये करेंगे और होपफुली हम लोग सब एक SM को बहुत अच्छा SM बनाने की ओर अग्रसर हैं और ऐसी आशा करते हैं कि अभी हमारे यहाँ एक MCI इंस्पेक्शन भी हुआ है जिससे PG सीटें बढ़ जाएंगी। अभी तक हमारे पास 14 सीटें हैं, 11 और बढ़ने से 25 सीटें हो जाएंगी। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन बनने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी ये खुशखबरी हमें NMC देगा।